Hello, students. I'm Sunanda Meni, and I'm here to take up another chapter with you the Rat Trap. Rat Trap has been written by Selma Lejelov who lived from 1858 to 1940. Selma Lejelov was a Swedish writer whose stories have been translated into many languages. Now, this particular story, Rat Trap, rat trap means pinjra. Wala now, this is about a beggar who is roaming around in the city to sell the rat traps. Rat traps are made by him from the material that he gets, he begs from iron mills.

इसमें एक मैसेज दिया गया है रेड ट्रैप सेलर जो है वो अपने आप को लॉस्ट फील करता है इस वर्ल्ड में ही फील्स दैट द वर्ल्ड हैज़ नेवर बीन काइंड टू हिम क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो एक कंफर्टेबल लाइफ जी सके सो ही थिंक्स दैट ऑल दिस वर्ल्ड इज अ रेट ट्रैप पूरी दुनिया एक रेड ट्रैप है उसे दुनिया के बारे में ऐसा सोच के बहुत अच्छा लगता था खुशी महसूस होती थी क्योंकि वो दुनिया से नफरत करता था दुनिया से नफरत इसलिए करता था क्योंकि उसके पास और लोगों की तरह जीने के अच्छे साधन नहीं थे सो ही लाइक टू थिंक अबाउट द वर्ल्ड एंड ही फेल्ट दैट द होल वर्ल्ड इज़ अ रेड ट्रैप एक दिन वो घूम रहा था ये बेचते हुए पिंजरे बेचते हुए और उसको बहुत ही एक अजीब सा आइडिया उसके दिमाग में आया और उसने वो आइडिया क्या था वो आइडिया ये था कि पूरा संसार पूरी दुनिया जो है एक वो रेट ट्रैप है now the whole world with its lands and seas its cities and villages was nothing but a big rat trap that means jitne shahar hai ya, pe jitne rivers hai, jitne samundar hai. ye sab kuch bhi nahi hai ek rat trap hai now how does he believe that the whole world is a rat trap he felt it had never existed for any other purpose than to set baits for people it offered riches and joys shelter and food heat and clothing exactly as the rat trap offered cheese and pork and as soon as anyone let himself to be tempted to touch the bait it closed in on him एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड उसे ये इसलिए लगता है क्योंकि उसे ये लगता है कि इस लाइफ की जो रिचेस हैं जो अमीरत है जो पैसा है धन दौलत ऐश्वर्य जो कंफर्ट्स हैं वो सिर्फ हमें फंसाने के लिए हैं जब हम पिंजरे में कुछ रोटी का टुकड़ा या चीज़ या कुछ मीट का टुकड़ा रखते हैं तो चूहा जो है उसकी तरफ भागता है जैसे ही वो उस पर पाउंस करता है जैसे ही वो उसको झपटता है तो पीछे से दरवाज़ा बंद हो जाता है इसी तरह से इस रेड ट्रैप सेलर के मन में एक ख्याल आता है कि ये पूरा वर्ल्ड जो है ये रेड ट्रैप है यहाँ पे जो हमें धन दौलत ऐश्वर्य या आराम की चीज़ें जो हमारे सामने आती हैं वो बेट्स हैं बेट्स मींस उस रोटी या उस चीज़ के टुकड़े की तरह हैं जो हमें फंसाने के लिए हैं आज जैसे ही हम उस चीज़ की तरफ भागते हैं तो पीछे से दरवाज़ा बंद हो जाता है दैट मीन्स वंस वी गेट टेम्पटेड टू दीज थिंग्स देन वी आर अप इन अ विश्वस सर्कल हम एक बारी इन चीज़ों की तरफ भागेंगे तो हम उस साइकिल में फंस जाते हैं कि हम और कमाएं हम और कमाएं। सो so, वो जो है हमें टेम्प्ट करता है गलत और सही काम करने के लिए इसलिए पूरा वर्ल्ड उसे ऐसे लग रहा था कि एक रेड ट्रैप की तरह है एक दिन वो सड़क पे चलता जा रहा था वन डार्क इवनिंग एज ही वॉज ट्रजिंग अलॉन्ग द रोड ही कॉट साइट ऑफ अ ग्रे कॉटेज वो सड़क पे चल रहा था तो उसे एक ग्रे कॉटेज नज़र आती है वो वहाँ पे जाके नॉक करता है और वहाँ से अंदर से एक क्रॉफ्टर निकलता है जो उसे बहुत वेलकम करता है फॉर अ चेंज नाट टिल नाउ ही हैड नेवर बिन वेलकम्ड टू Any other house. Nobody had greeted him like that. So he knocked on the door to ask shelter for the night, nor was he refused. Instead of the sour faces which ordinarily met him, the owner, who was an old man without wife or child, was happy to get someone to talk to him. Talk to in his loneliness. So surprisingly जो घर का owner था उस grey cottage का जो owner था वो एक बहुत ही lonely इंसान था अकेला था ना तो उसकी कोई wife थी ना उसके बच्चे थे तो उसे कोई companion चाहिए था बात करने के लिए शायद इसीलिए वो उसे welcome करता है और अंदर आने के लिए इजाज़त दे देता है जहाँ वो रात बिता सके अब सिर्फ़ इतना ही नहीं वो उसे खिलाता पिलाता भी है और जितना उसने दिल से बड़े दिल के साथ उसे वेलकम किया था उतने ही बड़े दिल के साथ खुले दिल के साथ उसे खिलाता पिलाता है और अपनी पर्सनल बातें भी शेयर करता है एंड बातों बातों में वो उसे बताता है कि वो किसी टाइम पे यहाँ पे एक रैम्सो आयन फैक्ट्री है जिसमें वो काम करता था लेकिन अब बूढ़ा हो जाने के कारण वहाँ पे उसने काम करना बंद कर दिया था एंड नाउ ही हैड अ काउ गायें रखी हुई थी उसने जिसके दूध को बेच के या जिसके मिल्क प्रोडक्ट्स को बेच के वो पैसे कमाता था और अब उसके पास वो उसको बातों बातों में उसके पास उसे बताता है कि अब उसके पास थर्टी क्रोनर्स हैं क्रोनर्स वहाँ की करेंसी को बोलते हैं तो थर्टी क्रोनर्स जैसे ही वो कहता है तो रेड ट्रैप सेलर के फेस पे जो एक्सप्रेशन आता है क्रॉफ्टर को लगता है कि उसे इस बात का यकीन नहीं आया और वो जल्दी से जाके अपनी पैंट की जेब में से वो अपना पाउच निकालता है और उसमें से पैसे निकाल के उसको दिखाता है उसे कन्विंस करने के लिए कि हाँ एक्चुअली में मेरे पास पैसे हैं स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस दैट मीन्स ऐसा लग रहा था उसे कि इसको उसकी बातों का यकीन नहीं हो रहा इनक्रेडुलस मीन्स बिलीव ना करना तो so, उन बा, उसके लिए वो ओल्ड मैन गॉट अप एंड वेंट टू द विंडो टुक डाउन अ लेदर पाउच विच हंग ऑन अ नेल इन द वेरी विंडो फ्रेम विंडो फ्रेम पे एक कील लगा हुआ था उसके ऊपर लेदर पाउच लटक रहा था ओल्ड मैन जाके उस पाउच को लेके आता है और उसके अंदर तीन थ्री रिंकल्ड टेन करोनर बिल्स दैट मीन्स मुचड़े हुए रिंकल्ड मीन्स मुचड़े हुए तीन नोट थे दस दस करोनर वाले उसे दिखाता है और उसे यकीन दिलाता है कि उसके पास वाक़े में ही पैसे हैं ऐसा बातें करते करते उनका टाइम काफ़ी अच्छा बीत जाता है और फिर सुबह उठते हैं दोनों और तैयार होकर अपने अपने काम पे निकल जाते हैं क्राफ्टर जो होता है जो ओनर होता है उस कॉटेज का वो अपनी गाय की तरफ चला जाता है उसे गाय का काम करना था और रेड ट्रैप सेलर भी उठ के तैयार हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि घर का मालिक चला गया तो मैं कैसे सोऊं और वो भी अपने रास्ते चला जाता है बट आफ्टर अबाउट हाफ एन आवर द रेड ट्रैप पेडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर जो पिंजरे बेचने वाला बेगर था पेडलर मीन्स जो पैदल चलता था जो पैदल चलने वाला पेडलर था वो वहाँ पे वापस आ जाता है और उसके मन में लालच था उसे वो पैसे चुराने थे इसलिए वो वापस आता है वो कुछ नहीं करता सीधा ऊपर चढ़ता है और उस विंडो में से वो लेदर पाउच उठाता है उसमें से पैसे चुराता है लेदर पाउच को वहीं पे तो रख के और वापस अपने रास्ते पे चला जाता है ना एज ही वॉकड अलॉन्ग विद द मनी इन हिज पॉकेट ही फेल्ट क्वाइट प्लीज विद हिज स्मार्टनेस जैसे वो पैसे अपनी जेब में लेके चलना शुरू करता है तो वो बहुत खुश था अपने आप में अपनी स्मार्टनेस पे कि मैंने उस क्राफ्ट को धोखा दे दिया और उसके पैसे उठा लिए कि वो कितना मूर्ख निकला कि मुझे अपने पैसे दिखा दिए और चल पड़ा सो so, वो बहुत खुश था उन पैसों को पाके। He ही रियलाइज्ड course, दैट एट फर्स्ट ही dared नॉट कंटिन्यू ऑन द पब्लिक highway, but बट मस्ट टर्न ऑफ़ द रोड the woods. द वुड्स और उसे ऐसा लगता है कि अगर वो मेन सड़क पे चलता रहा तो ही माइट बी कॉट बाय द पुलिस सो उसको पुलिस को अपने आप को बचाने के लिए पुलिस से वो जंगल की तरफ कच्चे रास्ते में चल पड़ता है एंड ही गोज़ अराउंड द वुड्स एंड ही गेट्स लॉस्ट ऑन द वे और वो रास्ता भूल जाता है कुछ टाइम के बाद उसे रियलाइज़ होता है कि वो वहीं पे चक्कर काट रहा था और वहीं पे वापस आ जाता है he walked and walked without coming to the end of the wood and finally he realized that he had been walking around in the same part of the forest. all at once he recalled his thoughts about the world and the rat trap. और एकदम से उसके मन में कुछ टाइम के बाद जब वो रास्ता भूल गया और जंगल के किनारे नहीं पहुंच पाया तो उसे realize होता है कि वो rat trap में फस गया है. ये एक चाल थी एक rat trap का एक बेट था बी ए आई टी बेट बेट मीन्स वो हुक जिससे हमारे को चूहे को खाने के लिए रोटी लटकाई जाती है और वो कहता है कि ये जो थे पैसे थे वो बेट थे और अब वो फंस गया है ऑल एट वंस ही रिकॉर्ड हिज था अबाउट द वर्ल्ड एंड द रेट ट्रैप नाउ हिज ओन टर्न हेड कम अब उसकी बारी आ गई थी हीडलेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाई अ बेट एंड बीन कॉट द होल फॉरेस्ट विद इट्स trunks एंड branches, इट्स थिकेट्स एंड फॉलन लॉग्स closed इन अपॉन हिम लाइक एन impenetrable prison. Impenetrable means जिसके अंदर नहीं कोई घुस सकता वो एक जेल की तरह वो एक कैद की तरह थी जहाँ पे अब उसको ऐसा लगा ये सारा जंगल जो है वो एक कैद है जिसमें कोई नहीं घुस पाएगा और उसको बचा पाएगा और अब वो उस रेड ट्रैप में उस पिंजरे में फंस चुका है सो so, ऐसे वो रात को घूमता जा रहा था दिसंबर का महीना था खूब ठंडी रात थी बारिश हो रही थी वो घूम रहा था उसे कुछ नज़र नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए और कहाँ आराम करे फाइनली ही सॉ नो वे आउट एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड टायर्ड टू डेथ थिंकिंग दैट इज लास्ट मोमेंट हेट कम लास्ट में वो इतना थक जाता है कि वो थक हार के बैठ जाता है और उसे लगा कि अब उसका अंत नज़दीक आ रहा है जैसे ही वो बैठता है तो थोड़ी देर के बाद उसे एक हैमर हथौड़े की आवाज सुनाई देती है सो पास में ही कहीं एक आयरन मिल था जहाँ पे कुछ लोग काम कर रहे थे ही समंड ऑल हिज स्ट्रेंथ सो अपनी पूरी ताकत लगा के वो उठता है और उस आवाज़ की तरफ चलना शुरू कर देता है और धीरे 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 उसे समझ में आता है कि वहाँ एक फैक्ट्री है आयरन की मिल है लोहे की मिल है जहाँ लोग काम कर रहे हैं और वो वहाँ पे जाके गेट के अंदर जाता है और उनसे वहाँ पर रात बिताने की इजाज़त मांगता है अब ऐसा वहाँ बहुत कॉमन था कि जैसे रात को घूमने वाले भिखारी लोग आके रात बिताया करते थे क्योंकि वहाँ पे एक फर्नन्स थी फर्नन्स मींस भट्टी जिसमें आग जलती है बहुत तेज़ और उसमें लोहा गर्म किया जाता है और उसकी सेक से उसे गर्मी मिलेगी सो वो वहाँ पे पहुँचता है और जो वहाँ पे ब्लैक स्मिथ यानी कि लोहार जो काम कर रहा था उसे वहाँ पे रिक्वेस्ट करता है कि उसे वहाँ पे बैठने की या रात काटने की इजाज़त दे दी जाए क्योंकि उसके कपड़े सारे गीले हो गए थे और ठंड से उसको बुरा हाल हो रहा था तो ब्लैक स्मिथ जो है उसकी तरफ बिना देखे उसको अलाउ कर देता है और वो वहाँ पे आग के किनारे लेट जाता है उसके कपड़े सूखने लगते हैं तो थोड़ी देर में उस आयरन मिल का मालिक वहाँ पहुँचता है और उसकी तरफ देखता है अब नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही सॉ वॉज द टॉल मफिन। रेगा मफिन मीन्स एक ऐसा इंसान जो बहुत रफ दिख रहा था और जिसने रैग्स यानी कि फटे चिटे कपड़े चीथड़े पहने हुए थे तो जैसे ही वो वहाँ पे आता है उसकी पहली नज़र उस टॉल इंसान पे पड़ती है जो वहाँ पे रैग्स पहन के लेटा हुआ था और वो उससे पूछता है बट ऑफकोर्स इट इज़ यू निल्स ऑल ऑफ ही सेड हाउ यू डू लुक अब जो उस मिल का मालिक था उसे ऐसा लगता है कि ये रेगा मफिन ये इंसान जो यहाँ पे लेटा हुआ है वो शायद उसका पुराना दोस्त है नील्स ओलफ जो उसके साथ आर्मी में रेजिमेंट में काम करता था यानी कि वो उसको गलत समझ बैठता है गलती से उसे अपना दोस्त पुराना बिछड़ा हुआ दोस्त समझ बैठता है और वो उससे कहता है कि हाउ यू डू लुक तुम कैसे दिख रहे हो दैट मीन्स जब उसने उसको देखा था और अब इतनी देर बाद दोबारा देख रहा है उसमें बहुत चेंज आ गया था और वो ये समझता है कि इस इंसान का ऐसा हाल इसलिए हुआ था क्योंकि उसने आर्मी छोड़ दी थी और उसके बाद वो उसके साथ भी इन टच नहीं था और शायद गरीबी के मारे वो इतना परेशान है भूख प्यास से कि उसका ये हाल हो गया मतलब वो उस रेड ट्रैप सेलर को अपना कोई पुराना दोस्त समझ बैठता है नाउ द मैन विद द रेड ट्रैप्स है आयन मास्टर एट रैमसो एंड डिड नॉट इवन नो वॉट हिज नेम वो हिम दैट इफ द फाइन जेंटलमैन थाट ही वॉज एन ओल्ड एक्वेंटन्स ही माइट परहैप्स थ्रो हिम अ कपल ऑफ क्रोनर देअोर ही डिड नाट वॉन्ट टू अनिव हिम ऑल एट वस तो रेड ट्रैप सेलर ने उसे पहले कभी नहीं देखा था उसे ऐसा लगता है कि अब मैं अगर एकदम से इसके सामने सच बोलूँगा तो मैं शायद जिंदगी में कुछ और पैसे लेने का मौका गवा बैठूँगा अब ये अगर मुझे अपना पुराना दोस्त समझ रहा है तो इसे समझने दो और कुछ नहीं तो थोड़े बहुत पैसे ही मुझे दे देगा सो so, उस आस में उस होप में कि वो इसकी हेल्प करेगा वो चुप रहता है और अपनी आइडेंटिटी उसे नहीं रिवील करता Yes God knows things have gone downhill with me he said you should not have resigned from the regiment said the iron master that was the mistake if only i had still been in the service at the time it never would have happened well now of course you will come home with me उसे वो अपना पुराना दोस्त समझ के कहता है कि तुम्हें रिज़ाइन नहीं करना चाहिए था आर्मी से अगर मैं वहाँ होता तो तुम्हें रिज़ाइन ना करने देता और मुझे पता है कि तुम्हारे साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ उसके बाद लेकिन वो सब बातें छोड़ दो और अब तुम मेरे साथ मेरे घर चलो सो बार बार उसे वो इंसिस्ट करता है कि वो उसके घर चला जाए लेकिन रेड ट्रैप सेलर को अंदर से ये डर था कि कहीं उसकी चोरी पकड़ी ना जाए कहीं ये उसे पुलिस में ना दे दे तो उसके जो थर्टी करोनर्स उसने उस क्राफ्टर के कॉटेज में से चुराए थे वो भी उसे देने पड़ेंगे तो वो उसके साथ जाने के लिए मना कर देता है और वहीं पे रहने के लिए ज़िद करता है तो आयन मास्टर सोचता है उसे कहता है कि मेरे घर में कोई भी नहीं है मेरी वाइफ भी नहीं है और सिर्फ मेरी एक लड़की है तुम्हें कोई भी कुछ नहीं कहेगा लेकिन ट्रैप सेलर जो है वो मना कर देता है और वहीं पे ही रुक जाता है अब आयन मास्टर ये सोच के उसे छोड़ देता है कि उसे शायद अपने फाइनेंशियल स्टेटस पे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी इसलिए वो उसके साथ नहीं जा रहा और वो छोड़ के उसे चला जाता है जो लोग वहाँ काम कर रहे थे उन्हें यह पता था कि आयन मास्टर इतनी जल्दी गिवअप नहीं करेगा इतनी जल्दी बात को नहीं छोड़ेगा और थोड़ी ही देर में देखते हैं कि एक कैरेज आती है उस कैरेज में आयन मास्टर की बेटी आती है और साथ में उसका एक वेले, वेले मींस उसका एक अटेंडेंट होता है जिसके हाथ में एक फर का कोट था वो दोनों उस कैरेज में से उतरते हैं और इस रेड ट्रैप सेलर की तरफ आते हैं माय नेम इज एडला विलमसन सेड द यंग गर्ल माय फादर केम होम एंड सेड दैट यू वांटेड टू स्लीप हियर इन द फोर्ज टुनाइट एंड देन आई आस्क्ड परमिशन टू कम एंड ब्रिंग यू होम टू अस आई एम सॉरी कैप्टन दैट यू आर हैविंग सच अ हार्ड टाइम सो so, वो उसके साथ अपनी सिंपथी प्रकट करते हुए कहती है कि आई एम सॉरी तुम्हारे साथ काफ़ी बुरा टाइम चल रहा है शी लुक डेट हिम कम्पैशनेटली विद हर ब्रेवी विद हर हैवी आइज एंड देन शी नोटिस दैट द मैन वॉज अफ्रेड वो बहुत ही अच्छी ऑब्जर्वेशन कर लेती थी वो उसकी तरफ देखती है और वो समझ जाती है कि ये डर रहा है Either he has stolen something or he has escaped from jail, she thought. So वो एकदम से अपने आप को अपने मन में ये सोचती है कि ये कैप्टन तो कहीं से नहीं लग रहा या तो ये जेल से भागा हुआ है या इसने कुछ चुराया हुआ है और वो उसे एश्योर करती है वो उसे एक दिलासा देती है एश्योरेंस देती है दैट तुम्हें कोई भी कुछ नहीं हमारे घर में कहेगा जिस तरह से तुम हमारे घर में जा रहे हो उसी तरह से तुम बाहर निकलने के लिए भी फ्री हो इन अ वे ये वो उसको यकीन दिला देती है कि हम पुलिस को नहीं कुछ भी बताएंगे या हम किसी और को कुछ नहीं बताएंगे इस बात को लेके वो जो रेड ट्रैप सेलर था उसे कुछ दिल में तसली होती है उसे कुछ एक तरह से कन्विंस हो जाता है कि अगर वहाँ चला जाऊँगा उनके घर में चला जाऊँगा तो मुझे पुलिस नहीं पकड़ेगी सो शी थाट एंड एडिट क्विकली यू मे बी श्योर कैप्टन दैट यू विल बी अलाउड टू लीव अस जस्ट एज फ्रीली एज यू केम ओनली प्लीज़ स्टे विद अस ओवर क्रिसमस ईव वो सिर्फ उसे क्रिसमस ईव के लिए अपने घर में रखना चाहती है क्योंकि उसे ये लगता था कि क्रिसमस का मैसेज है लव एंड पीस प्यार और शांति और अगर वो किसी को प्यार दे पाए किसी का मन शांत कर पाए तो वो शायद क्रिसमस को ट्रू सेंस में सेलिब्रेट करेगी और उनके घर में और कोई भी नहीं था वो और उसके फादर थे और वो भी एकदम अकेले थे उन्हें भी किसी कंपेनियन की ज़रूरत थी क्रिसमस में इसलिए वो लड़की उस रेड ट्रैप सेलर को एश्योर करती है कि तुम जिस फ्रीडम के साथ हमारे घर के अंदर घुस रहे हो उसी फ्रीडम के साथ तुम बाहर घुस पाओगे हम किसी को कुछ नहीं कहेंगे या बताएंगे तुम सिर्फ क्रिसमस की ईव यानी कि एक दिन पहले क्रिसमस से हमारे साथ वो शाम बिताओ और हमारे साथ खाना खाओ तो हमें अच्छा लगेगा इट वुड नेट यू वुडो विद सेलर को जब यकीन हो जाता है कि कोई उसे कुछ नहीं कहेगा तो वो उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है वो वहां से उसको वो फर का कोट पहना देती है सर्दी से और वो उनके घर पे चला जाता है लेकिन जब वो उनके घर पर घर की तरफ जा रहा था तो उसके मन में एक ख्याल आता है वाई द डेविल डिड आई टेक दैट फॉलोज मनी ही थाट नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट तो उसके मन में एक ही ख्याल आता है कि मैंने वो पैसे क्यों चुराए मैंने उस इंसान के पैसे क्यों चुराए अब मैं उस पिंजरे में फंस चुका हूँ और अब मैं उसमें से नहीं निकल पाऊंगा यानी कि उसको गिल्टी फील हो रहा था जब वो उसके घर से पैसे चुरा के निकला था तो ही वॉज़ फीलिंग वेरी हैप्पी ओवर हिज स्मार्टनेस बट नाउ ही स्टार्टेड फीलिंग गिल्टी एंड ही वॉज फीलिंग बैड फॉर दैट मैन उसे अपने आप पे घिन आने लगी जैसे ही वो उसके घर पे पहुंचता है रात को तो जो आयरन मास्टर था वो बहुत खुश होता है कि मेरा दोस्त मेरे घर आने के लिए मान गया और वो अपनी बेटी से कहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू इट दैट ही गेट्स अ लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन्स दैट मींस हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि इसकी हड्डियों पे कुछ मांस चढ़ जाए यानी कि इसको अच्छे से खिलाना पिलाना है एंड देन वी मस्ट सी दैट ही गेट्स समथिंग एल्स टू डू दैन टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग राय ट्रैप्स और फिर इसे कुछ काम दिलाना है ताकि इसे जगह जगह घूम घूम के ये पिंजरे ना बेचने पड़े इट इज़ क्वेर दैट थिंग्स हैव ग डाउन हिल विद एज बैडली एज दैट क्वेयर मीन्स स्ट्रेंज ये बहुत अजीब सी बात है कि इसके साथ इतना बुरा हुआ और वो अपनी बेटी को ये कहता है लास्ट नाइट आई डिड नॉट थिंक दे वॉज एनी थिंग अबाउट हिम टू शो दैट ही हैड वंस बिन एन एजुकेटेड मैन तो उसकी बेटी कहती है कि लास्ट नाइट जब मैंने इसको देखा तो मुझे बिल्कुल भी एक पल के लिए भी ये नहीं लगा कि ये एक एजुकेटेड इंसान है शी वॉज वेरी गुड एट जजिंग पीपल उसे बहुत अच्छे से जज करना आता था लोगों को जो कि आयन मास्टर को नहीं आता था तो आयन मास्टर अपनी बेटी को बोलता है कि यू मस्ट हैव पेशेंस थोड़ा सब्र रखो जब वो नहा धो के साफ़ कपड़े पहन के निकल के आएगा तो तुम्हें पता चल जाएगा कि वो एक पढ़ा लिखा इंसान है जो कभी कैप्टन था आर्मी में और थोड़ी देर बाद ही वो उनके कमरे में क्लीन हो के नहा धो के ड्रेसअप हो के अपनी शेव करके नए कपड़े पहन के जब वो उनके कमरे में दाखिल होता है तो जो आयन मास्टर था उसको अपनी गलती रियलाइज़ हो जाती है वो समझ जाता है कि ये मेरा दोस्त नहीं ये कोई और है तो वो उसको कहता है कि तूने मेरे साथ धोखा किया और अब मैं पुलिस को मुझे बुलाना पड़ेगा तो वो कुछ कहेगा अब इससे ट्रैप सेलर को बहुत गु़स्सा आता है और वो अपने हाथ को ज़ोर से टेबल पे मारते हुए कहता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया तुम लोगों ने जो कहा मैंने सिर्फ उस बात को डिनाई नहीं करा मैंने तुम लोगों से यहाँ पे आने की नहीं तुम्हारे ब्लैक स्मिथ से उस आयन मिल में रात बिताने की इजाज़त मांगी थी मैं यहाँ नहीं आना चाहता था तुम लोग मुझे ज़बरदस्ती लेकर आए हाँ मेरा सिर्फ इतनी मैंने गलती करी कि मैंने उस बात को डिनाई नहीं करा और मैं अगर तुम लोग चाहते हो तो तुम्हारे ये नए कपड़े तुम्हें वापस करके इसी टाइम चला जाऊँगा जब ऐसा वो कह रहा था तो आयन मास्टर उसे जाने के लिए बोलता है लेकिन एडला विल मैंसन जो है वो बहुत ही अच्छी इंसान थी वो अपने फादर को रिक्वेस्ट करती है कि हर इंसान क्रिसमस के दिन एटलीस्ट साल में एक बारी ये डिज़र्व करता है कि उसके साथ प्यार और हमदर्दी से बात करी जाए और उसे भर पेट खाना खाने का हक है तो आप इसे सिर्फ़ एक रात के लिए हमारे यहाँ रुकने दो ताकि ये भर पेट खाना खाए और इसे भी क्रिसमस की फीलिंग आए और हमें भी कंपेनियनशिप मिल जाएगी तो आयन मास्टर समझता है कि शायद उसकी बेटी ठीक कह रही है और जो रेड ट्रैप सेलर ने कहा वो भी ठीक था तो कोई बात नहीं इसको आज का दिन यहाँ रहने की इजाज़त दे देते हैं नेक्स्ट डे क्रिसमस के दिन वो दोनों बाप और बेटी उठ के चर्च चले जाते हैं और वहाँ पे जब वो रास्ते में से वापस आ रहे थे तो कार में बात करते हैं कि चर्च में उन्होंने सुना था कि किसी रेड ट्रैप सेलर ने वो क्राफ्टर के उस इंसान के जो डेरी का काम करता था उसके थर्टी करोनर्स चुरा लिए हैं और आयन मास्टर अपनी बेटी को डांटते हुए कहता है कि ये वही इंसान है और शायद तुमने इसको रख के बहुत बड़ी गलती करी है और अब ये ना जाने हमारा क्या क्या उठा के ले गया होगा जैसे ही उनकी कार घर के आगे आके रुकती है तो वो अपने सर्वेंट से अपने अटेंडेंट से पूछते हैं कि वो इंसान कहाँ है तो वो कहता है वो अभी अभी चला गया और आयन मास्टर को बहुत घबराहट हो रही होती अंदर से कि उसका पता नहीं क्या क्या नुकसान करके गया होगा तो अटेंडेंट जो है वो उन्हें बताता है जो गेट कीपर होता है वो बताता है कि वो इंसान चला गया है वो रेट सेलर यहाँ से चला गया है लेकिन कुछ भी साथ में नहीं लेके गया बट एक लेटर और एक गिफ्ट एडला विलमेन्सन के लिए छोड़ के गया है तो जैसे ही वो उसको गिफ्ट एडलाविल एडलाव को पकड़ाता है तो एडलाविल मैं उसे खोलती है एंड द यंग गर्ल ओपन व्हिच वाज सो बैडली डन अपट शी गिव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय वो खुशी के मारे रोने लगती है शी फाउंड अ स्मॉल रैट ट्रैप एंड इन ले थ्री रिंकल्ड टेन करोना नोट्स उसमें एक पिंजरा था और पिंजरे के अंदर वो तीन दस करोनर वाले नोट्स थे जो उसने चुराए थे एंड दैट वाज नॉट ऑल उस रैक ट्रैप के अंदर उस पिंजरे के अंदर एक लेटर थी उस लेटर में उसने जैग्ड कैरेक्टर्स जैग्ड मींस नॉट वेरी क्लियर उन बहुत अनक्लियर हैंड राइटिंग में लिखता है ऑनर्ड एंड नोबल मिस ये एडला विलमेनसन के लिए कहा है कि बहुत इज्जतदार और बहुत अच्छी इंसान सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग एज इफ़ आई वॉज़ अ कैप्टन क्योंकि तुम मेरे साथ इतनी अच्छी तरह से व्यवहार कर रही हो जैसे कि मैं कोई कैप्टन होता हूँ आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू इन रिटर्न मैं भी तुम्हारे साथ अच्छा ही व्यवहार करना चाहता हूँ एज इफ़ आई वॉज अ रियल कैप्टन फॉर आई डू नॉट वॉन्ट यू टू बी एम्बेरस्ड एम्बेरस्ड मीन्स शर्मिंदा मैं ये नहीं चाहता कि तुम मेरी वजह से शर्मिंदा हो इस क्रिसमस में जो कि मैं जो एक चोर हूँ मैं नहीं चाहता कि मेरी यहाँ पे रहने से तुम्हें शर्मिंदगी उठानी पड़े इसलिए मैं वापस जा रहा हूँ और ये जो पैसे हैं बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन ऑन द रोड साइड तुम उस इंसान को उस बूढ़े इंसान को ये पैसे वापस कर देना जिसके मैंने चुराए थे और उसे वो उसकी विंडो फ्रेम में वो पाउच लटक रहा था जहाँ से मैंने चुराए थे और ये एक बेट था दैट मींस ये एक खिड़की थी मुझे फंसाने के लिए हमारे जैसे गरीबों को ललचाने के लिए और मैं ये चाहता हूँ कि ये पैसे तुम उसको वापस कर दो द रैट ट्रैप इज़ अ क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम अ रैट हु वुड कॉट इन दिस वर्ल्ड रैट ट्रैप इफ़ यू हैड नॉट बीन रेज्ड टू कैप्टन और ये जो पिंजरा है ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए क्रिसमस का गिफ्ट है जिससे जिसमें उस चूहे की तरफ से जो कि इस रेड ट्रैप में हमेशा के लिए फंस जाता अगर तुम उसे एक कैप्टन ना बनाती दैट मीन्स इफ ही हैड नॉट बीन रेज टू द कैप्टन बिकॉज इन दैट वे ही गॉट पार टू क्लियर हिमसेल्फ रिटर्न विद फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड कैप्टन वॉन्टेल ये उस चूहे की तरफ़ से है जो कि इस चूहेदानी में फंस जाता अगर तुम उसे कैप्टन ना बनाती तुमने मुझे कैप्टन बना के मेरे को वो शक्ति दी है मेरे को वो स्ट्रेंथ दी है कि मैं अपने आप को इस पाप से मुक्त कर सकूं, इसको इससे अपनी कॉन्शियंस को क्लियर कर सकूं जिसको जो गलत काम मैंने किया है और ये कहता है रिटर्न विद फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड कैप्टन वॉन्सटेल और नीचे अपना नाम लिखता है कैप्टन वॉन्सटेल यानी उसने अपने आप को उस स्टेटस पे रेज कर दिया जिसके काबिल उसे एडला विल मैंसन ने समझा और बनाया एडला विल मैंसन ने उसके अंदर के छिपी हुई अच्छाई को बाहर निकाला अपने प्यार और काइंडनेस से और इस स्टोरी का ये मैसेज है एवरी बडी हैज़ एन इनहेरेंट गुडनेस इन हिम हर इंसान के अंदर कुछ अच्छाई छिपी हुई है एंड दैट गुडनेस इज़ क्लाउडेड बाय द एडवर्स सरकमस्टांसिस वो जो अच्छाई है वो अनफेवरेबल सर्कमस्टांसिस की वजह से छिप जाती है और जब हमारे साथ कोई प्यार से बात करता है हमारी तरफ काइंडनेस का व्यवहार करता है तो वो हमारी अच्छाई उभर के बाहर आती है और हम अपने आप को ईवल एक्शंस से मुक्त कर पाते हैं हम अपने आप को फ्री कर पाते हैं सो द फिलोसॉफिकल मैसेज दैट द स्टोरी गिव्स इज दैट दिस होल वर्ल्ड इज़ अ रेड ट्रैप the riches the luxuries and the comforts of this world are like bait as soon as we run towards them we as soon as we get tempted to have them we get trapped in the rat trap of evil actions but we can only come overcome this evil of the world by some kind some kindness or goodness shown by someone the inherent goodness in every human being can be brought out by the kindness and compassion shown by this world so that's a great message and please read this story in detail and i'll be back with the question answers in my next video thank you